नमस्कार, आप सभी का मैथ विद आकाश त्रिपाठी पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमारा आइडियल वाला टॉपिक चल रहा है, तो उसी आइडियल वाले टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, एग्जांपल पार्ट काफी अच्छे से पढ़ लिया है और उसकी बहुत सारी थ्योरम्स भी कर ली है। आज एक हम लोग एक और थ्योरम लेकर आए हैं आपके सामने, जिसका स्टेटमेंट ये कहता है कि इफ ए एंड बी आर टू आइडियल ऑफरिंग आर, अगर आपके सामने ए और बी कोई भी दो आइडियल है, तो यहाँ पर जो ए बी होगा मतलब उन दोनों आइडियल का जो प्रोडक्ट होगा वो सबसेट होगा उन दोनों आइडियल के सम के। ये आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। स्टेटमेंट काफी ज्यादा छोटा है, समझाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ गया होगा कि ए और बी कोई दो आइडियल है तो उनका प्रोडक्ट जो होगा वो उनके एडिशन का सबसेट होता है, सम का सबसेट होता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो किसी भी चीज को सबसेट प्रूफ करने के लिए हमें ये दिखाना पड़ता है कि अगर ए जो है वो सबसेट है बी का, इसका मतलब हम कोई क्वांटिटी मान के चलते हैं एक्स जो कि बिलोंग कर रही है ए में, और ये दिखाएंगे कि वही सेम टू सेम क्वांटिटी एक्स बी में भी बिलोंग कर रही है, इसका मतलब आपका ए जो होगा वो सबसेट होगा बी का। यहां पर आपको क्या गिवन है, गिवन दैट ए एंड बी आर टू आइडियल, आर टू आइडियल, and we have to prove that AB जो होगा वो सबसेट होगा A प्लस का B का। इसका मतलब हम यहां से क्वांटिटी मान के चलेंगे, तो हमने मान लिया लेट X जो है वो बिलोंग कर रहा है AB में। अब x जो है उसकी प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x के पास किस तरीके से एलिमेंट होंगे, ऐसे x बराबर जो होगा वो a1 b1 प्लस का a2 b2 प्लस का डॉट 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 प्लस का an bn टाइप के एलिमेंट होंगे। ये आपको समझ आया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यही दिखाना है कि यही सेम टू सेम एलिमेंट जो है यहां इस a प्लस b में बिलोंग कर रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से दिखाएंगे। यहां पर मैंने मान लिया क्योंकि मेरे को ये चीज गिवन भी है और मान भी लिया कि बिकॉज ए इज आइडियल, ये चीज मेरे को गिवन भी है, बिकॉज ए इज आइडियल, ये मेरे को पता है कि मेरा जो ए है वो एक आइडियल है। अगर ए मेरा एक आइडियल है, तो अगर आइडियल होने का मतलब ए जो होगा वो लेफ्ट वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा, लेफ्ट आइडियल वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा और राइट आइडियल वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने यहां पर मान लिया कि मेरा जो ए आई है, कोई भी एलिमेंट है ए आई, वो बिलोंग कर रहा है इस कैपिटल ए में। और उसके बाद मैंने अगली बार मान लिया कि मेरे पास कोई एलिमेंट है बी आई जो कि कहां बिलोंग कर रहा है, आर में, बी बिलोंग कर रहा है, बी आई आर बिलोंग कर रहा है आर में। अब देखिए बी आई बिलोंग कर रहा है आर में, इसको काफी अच्छे से समझिए कि आपके पास कोई भी एक एलिमेंट है बी आई, मैं जनरली क्या करता हूं कि बी आई को बी से पिक करता हूं, बी का मतलब जो आर का सबसेट है। तो ये वाला बी आई अगर इस सबसेट में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला बी आई उस पूरे के पूरे आर में भी करेगा, क्योंकि वो बी जो है वो किसका सबसेट है, इस आर का सबसेट है। ये आपको समझ आया? तो मैंने सिर्फ यहां पर वही समझाने के लिए लिखा है कि जो बी आई है वो बिलोंग कर रहा है आर में, क्योंकि बी आई अगर बी में बिलोंग कर रहा है, बी सबसेट है आर का, दिस इंप्लाइज दैट बी आई आर में भी बिलोंग करेगा। तो यहां पर वही बात लिखी हुई है कि जो बी आई है वो कहां बिलोंग कर रहा है, आर में। ये आपको समझ आया? अब ए आई जो है वो ए में बिलोंग कर रहा है और बी आई आपका आर में बिलोंग कर रहा है, और ए आपका क्या है, आइडियल है। इसका मतलब जो ए आई और बी आई होगा वो कहां बिलोंग करेगा, इस कैपिटल ए में। ये आपको समझ आया? जो आपका इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है वो कहां बिलोंग करेगा, ए में, क्योंकि ए आपका एक आइडियल है। अब उसके बाद देखिए किस तरीके से लेता हूं मैं। यहां पर मैंने मान लिया कि जो मेरा आई है वो बराबर है, यहाँ पे आई जो है वो मेरा बराबर है वन के, मतलब आई बराबर वन, मतलब यहां पर सिर्फ ए वन लिखा है, सिर्फ बी वन लिखा है, यहां पर भी सिर्फ ए वन लिखा है और यहां पर भी सिर्फ बी वन लिखा है। ये आपको समझ आया? और यहां पर आई बराबर वन, ये असली मतलब है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे को दिखाना है ए प्लस बी, मतलब सम दिखाने हैं, सम समझ लो, मेरे को सम दिखाने हैं, तो कैसे दिखाऊंगा। उसके बाद मैंने यहां माना बिकॉज B is ideal, क्योंकि मेरा जो B है वो ideal given दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से देखिए मैं कैसे लिखूंगा। मैंने मान लिया मेरा जो A I है, यहां पर मैंने 1 की जगह असली में I ही लिया है, मैंने मान लिया A I belong कर रहा है A में और B I जो है वो belong कर रहा है R में।
जहां पे i जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और लेस देन इक्वल टू n है, क्योंकि 1 वाली कंडीशन तो मैंने ऊपर ले ली है, अब मेरा यहां पर जस्ट 2 बचा है। ये काम मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं यहां पर अपना सम दिखाऊंगा, मैं आगे चल के इन दोनों को जोड़ूंगा, ये आपको समझ आए, इसलिए मैंने यहां पर 1 को अलग कर लिया, 2 से लेकर n तक अलग कर लिया। मैं चाहता तो 1 से लेकर कोई भी नंबर p तक अलग कर लेता और p प्लस 1 से लेकर n तक अलग कर देता, ये आपको समझ आया। मैं चाहता तो 1 और 2 को अलग कर देता और फिर 3 से लेकर n तक अलग कर देता, वो कोई कैसी भी कंडीशन कर सकते हो। तो मैंने यहां पर इस तरीके से लिया है, और क्योंकि b आपका एक आइडियल है, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी यहां पे इसको ऐसे लिखना था, इसको ऐसे ai जो है वो बिलोंग करेगा r में और जो bi है वो बिलोंग करेगा b में, क्यों, क्योंकि जो आपका ai है वो r में करेगा, तो ai भाई a में बिलोंग कर रहा है, तो ai वो छोटा वाला आपका r में भी करेगा, क्योंकि यहां पर कंडीशन b वाली चल रही है, इसका मतलब एलिमेंट b से होना चाहिए, ये आपको समझ आया। तो ai बिलोंग करेगा r में और bi बिलोंग करेगा b में, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब है कि ai और bi का मल्टीप्लिकेशन जो है वो कहां बिलोंग करेगा, b में, और यहां पर आपका असली मतलब ai bi का है ये वाला a2 b2, ऐसे करते करते डॉट 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 an bn तक जाना है, ये बिलोंग कर रहा है b में। अब ये वाली क्वांटिटी आपकी a में बिलोंग कर रही है और यहां से लेकर यहां तक क्वांटिटी b में बिलोंग कर रही है, तो अगर दोनों को आपने ऐड कर दिया तो रिजल्ट आपको मिलेगा a1b1 प्लस का a2b2 प्लस का a3b3, ऐसे करते हुए डॉट 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 प्लस का anbn, और वो कहां बिलोंग करेगा, a प्लस का b में, वो बिलोंग करेगा a प्लस b में। और आप ध्यान से देखिए, इसी का मतलब आपका क्या था, x, क्योंकि x का मतलब ये पूरा था, इसका मतलब x जो है वो कहां बिलोंग कर रहा है, a प्लस का b में। अब देखिए, आपने मान के चला था कि x बिलोंग कर रहा है ab में, और आपने ये प्रूफ कर दिया कि वही सेम टू सेम x बिलोंग कर रहा है a प्लस b में, इसका मतलब आपने साफ साफ कह दिया कि ab जो है वो सबसेट होगा a प्लस का b का। सारी कंडीशन यहां पर प्रूफ करने पर सिर्फ इन दोनों चीज पे डिपेंड थी, बस कि आपका अगर a आइडियल था तो एलिमेंट a को पिक कर रहे थे, दूसरे एलिमेंट को आपने r माना था क्योंकि अगर वो उसके सबसेट में कर रहा है तो r में भी करेगा, और अगर b एक आइडियल है तो आपने b के एलिमेंट को कोई एलिमेंट माना और अगले एलिमेंट को रिंग से उठाया क्योंकि वो जो b आइडियल था, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी b में बिलोंग करेगा, तो आपकी ये वाली कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई हो गई, ये आपको समझ आया। और इसी के साथ साथ यहां पर हमारी थ्योरम पूरी फिनिश हो जाती है, बाकी आपको अच्छा लगा तो प्लीज पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।